हेलो, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं एसएससी सीजल 2019 3rd मार्च 2020 शिफ्ट सेकंड का रीजनिंग पार्ट कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का हम कर चुके हैं, अपने कल किया था हमने, ठीक है। उसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और दोनों की ही कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम समझ रहे हैं, मैं आपको कट करना सिखा रही हूँ कि कैसे हमें अपने स्टेप कट करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक ग्रुप लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप दोनों ही ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आफ्टर समडे 2-3 डेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है। तो ये पांच आपको वर्ड्स दिएगे, इनको लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो ये आपको हेक्सागन, नोनागन, पेंटागन और हेप्टागन और ऑक्टागन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है ये पेंटागन की कितनी साइड होती है, 5 होती है, ठीक है। हेक्सागन की कितनी साइड होती है, 6 होती है, ठीक है। उसके बाद हेप्टागन 7, इसके बाद ये 8 और ये इसके बाद 9, ठीक है। अब आपको बस ये देखना है कि इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ऑप्शन में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करा है, ठीक है। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इट मीन्स पहले पेंटागन आ जाएगा, फिर हेक्सागन आ जाएगा, फिर हेप्टागन आ जाएगा, फिर आपका ऑक्टागन आ जाएगा, फिर नोनागन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है, आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से जो 3 होंगे वो सेम पैटर्न फॉलो कर रखे होंगे और एक जो का वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रखा होगा, उसी को हमें क्या करना है, देखना है कि वो कौन सा है, ठीक है। ए, डी, जी और जी, ठीक है, करके देखते हैं। ए जो होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। डी आपका 4 होता है, +3 कर रखा है, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे डी आपका 4 होता है, जी 7 होता है, यहाँ पे भी +3 कर रखा है। जी आपका 7 होता है, जी आपका 10 होता है, यहाँ पे भी +3 कर रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या कर रखा है, +3 का सीक्वेंस बना रखा है, ठीक है। चेक करते हैं अपने ऑप्शन थर्ड को, पहले सेकंड से पहले हम एक बार थर्ड को चेक करते हैं, ठीक है। थर्ड को जे, एम, पी और एस। जी, जी आपका क्या होता है, 10 होता है। एम कितना होता है, 13 होता है, इट मीन्स +3। एम 13 होता है, पी आपका 16 होता है, मीन्स +3। पी आपका 16 होता है और एस आपका 19 होता है, मीन्स +3। तो यहाँ पे भी कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रखा है, +3 का, ठीक है। सिमिलर आप चेक करेंगे ऑप्शन 4 में भी, तो वहाँ पर भी आपको +3 का ही सीक्वेंस मिलेगा। ऑप्शन सेकेंड को चेक करते हैं, एफ, एच, के और एम। तो एफ जो होता है वो आपका 6 होता है और एच जो होता है वो 8 होता है, यहाँ +2 कर रखा है, ठीक है। ये 8 होता है, ये आपका 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई सीक्वेंस ही फॉलो नहीं करा, वहाँ पे 3-3 सम हो रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एनालॉजी है आपको, फैकल्टी और टीचर्स के बीच में जैसा रिलेशन है वैसे इस ऑप्शन में देखना है कि किसके बीच में है, ठीक है। तो टीचर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फैकल्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो होता है ट्रक के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका वेन डायग्राम का, देखते हैं कि कौन सा फिगर जो है वो किस पार्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो सर्कल जो है वो लेडीज को डिनोट कर रहा है, ट्रायंगल जो है वो आपका टीचर्स को डिनोट कर रहा है, और जो रेक्टेंगल है वो डिनोट कर रहा है अनमैरिड पर्सन को, ठीक है, अनमैरिड को। ओके, हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाउ मैनी मैरिड लेडीज आर। तो हमें एक ऐसे पर्सन को फाइंड करना है, हमें ऐसे पर्सन फाइंड करना है जो इसमें तो ना आ रहा, क्योंकि ये अनमैरिड है। हमें मैरिड लेडी और टीचर, तो यानी जो इन दोनों पोर्शन में आ रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ढूंढते हैं, देखो जो ये सेकंड है, जो 2 लिखा हुआ है, ये तो आपके रेक्टेंगल के बीच में भी आ रहा है। 9 जो है वो भी आपके रेक्टेंगुलर के बीच में आ रहा है। 6 तो सिर्फ सर्कल में ही है, हमें सिर्फ लेडी नहीं चाहिए, हमें लेडी प्लस में टीचर चाहिए, मतलब हमें सर्कल और ट्रायंगल के बीच में चाहिए। तो सर्कल और ट्रायंगल के बीच में आपका क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ
था क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, सिमिलर यहाँ पे आपको एक लेटर की सीरीज दी हुई है और क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, बी आर एच जिसको जेड यू डी लिखा गया, ओके। तो बी में अगर आप, बी का कोड क्या होता है 2 और जेड का कोड होता है 26, मतलब प्लस का क्या करके 24। आर का कोड होता है 18, ठीक है, और यू का कोड होता है 21 यानी प्लस का 3। एच का कोड होता है आपका 8 और डी का कोड होता है आपका 4 यानी माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, 24 प्लस फिर प्लस का 3 और फिर माइनस का 4, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि जेड यू डी में अगर हम यही पैटर्न फॉलो करते हैं तो क्या हमें कोई ऑप्शन में से आंसर मिल जाएगा। तो जेड प्लस में क्या करेंगे 24, जेड को क्या करोगे प्लस में 24 करोगे तो क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद था आर, था ना, आर के बाद यू आया था यानी प्लस का 3 कर रखा था, यानी यू प्लस में 3 करोगे, ठीक है, यू प्लस में 3 करोगे, यू कितना होता है 21 प्लस 3 करोगे तो यानी 24, और 24 किसका नंबर है एक्स का, तो यहाँ पर भी क्या है एक्स आया। उसके बाद क्या कर रखा था माइनस का 4 कर रखा था, ठीक है, उसके बाद क्या कर रखा था माइनस का 4, तो डी डी 4 होता है, 4 में से 4 माइनस कर दोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे जेड पे, तो एक्स एक्स जेड, तो एक्स एक्स जेड आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है 24 प्लस 4 और सॉरी प्लस 3 माइनस 4 का सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है कि इन एग्जामिनेशन ऑफ 80 क्वेश्चन, 80 नंबर का कोई क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, एग्जाम है, जिसमें करेक्ट आंसर करने पे आपको प्लस 1 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग करने पे माइनस 1, ठीक है। अगर आपने क्या किया है, कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो आप 0 मार्क्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट 80% अटैम्प्ट करता है तो उसको 32 मार्क्स मिलते, तो आपको ये बताना है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक दिया है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन थे 80, जिसमें से उसने किया 80%, यानी 80 का 80% कितना हो जाएगा 64, यानी उसने टोटल क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किया वो कितने किए हैं 64, ठीक है, और उसको मार्क्स कितने मिले हैं 32, ठीक है। इसका मतलब उसके जो मार्क्स कैंस कटे हैं यानी डिडक्ट हुए हैं वो कितने हुए हैं, वो भी 32, ठीक है, वो भी कितने हुए हैं 32, ठीक है। इसका मतलब उसके रॉन्ग आंसर कितने हो जाएंगे 32 डिवाइड बाय में 2 यानी 16, ठीक है। इट मीन्स उसने जो करेक्ट आंसर कर रखे हैं वो कितने कर रखे हैं 32 प्लस में 16 मीन्स 48, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। पी प्लस में आर, पी प्लस में आर यानी आर इज़ द ब्रदर ऑफ पी, जो आर है वो ब्रदर है किसका पी का, ओके ऑलराइट। उसके बाद है आर मल्टीप्लाई टी, यानी जो आर है वो फादर है टी का, ठीक है, आर जो है वो फादर हो गया टी का, ठीक है, यानी ये क्या है आर, आर आपकी क्या हो जाएगी मेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है टी माइनस में क्या हो, यानी जो टी माइनस में क्या हो, यानी टी इज़ अ मदर ऑफ क्या हो, ठीक है, यानी एक और जनरेशन नीचे चलेगी यानी क्या हो, ठीक है। उसके बाद है क्या हो डिवाइड बाय एस, इट मीन्स क्या हो जो है वो सन है किसकी एस की, क्या हो जो है वो सन है एस की, यानी ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। उसके बाद है एस प्लस में यू, यानी जो यू है वो ब्रदर है किसका एस का, यू जो है वो ब्रदर है किसका एस का, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि एस और आर के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये यहाँ से इसके बच्चे डॉटर का क्या है, ठीक है, हस्बैंड है, तो इसका क्या हो जाएगा सन इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सन इन लॉ, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है ट्रायंगुलर है, इस फिगर में आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जितनी भी काउंटिंग फिगर की ट्रिक्स होती है उसकी मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगी, वहाँ पर हम ये सारे क्वेश्चन जो है वो बाय ट्रिक जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ से
नेमिंग करके, ठीक है, इस ट्रायंगल की नेमिंग करके इस तरीके से आप ट्रायंगल काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे आपके, 10, ठीक है। तो आप जो पूरी फिगर है, पूरी फिगर पे क्या कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, या MNP जो यहाँ पे नंबरिंग नेमिंग करके वो नेमिंग कर लेंगे, ठीक है, और आप इजली यहाँ पे काउंट कर लेंगे। ये टाइम टेकन है, ठीक है, लेकिन हम ट्रिक से क्या है, एक अलग से वीडियो में ट्रिक से कर लेंगे इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है, ये फोर फिगर दे रखी है, इस फोर फिगर में जो रिलेशन है उसके हिसाब से आपको एक फिफ्थ फिगर जो है वो इस ऑप्शन में से चूज़ करनी है, ठीक है। तो पहले तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ दोनों तो ट्रायंगल है, ये आपके स्क्वायर है, यानी एक साइड जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, यानी आप एक और साइड इंक्रीज करोगे, यानी स्क्वायर से क्या बना दोगे, पेंटागन बना दोगे। पेंटागन की क्या होती है, पाँच साइड होती है, यहाँ पर चार है, तो अगली फिगर में कितनी साइड बनेगी, पाँच बनेगी, ठीक है। तो ये चार वाला ऑप्शन तो आपका पहले से कैंसिल हो जाता है, अब आपके बचे हुए हैं ये वाले ऑप्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा एरो पे देख लेते हैं, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, इन दोनों के एरो जो हैं वो आपके इस साइड में, यानी राइट हैंड साइड में, ठीक है, यानी इस फिगर का भी, यानी अब जो एरो बनेगा वो भी कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों में ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बाहर की फिगर देखो, जो सराउंडिंग फिगर है वो कैसी है, अबव है, दोनों कैसी है, अबव है, इसमें डाउनवर्ड है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो ये जो है ना, ये 180 डिग्री क्या हो रखी है, मूव हो रखी है, ठीक है। ये फिगर यहाँ पे 180 डिग्री मूव हुई है, ये फिगर यहाँ पे 180 डिग्री मूव हुई है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन में क्या कह रहा है, JMP ?VY आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ओके, तो J जो होता है, J का नंबर होता है 10 प्लस में 3 करोगे तो क्या आएगा, M आएगा, ठीक है। M का नंबर क्या होता है, 13 प्लस 3 करोगे 16, मतलब P आएगा, P का 16 प्लस 3 करोगे यानी 19, यानी ऐसा है। तो ये सीक्वेंस क्या था, इस सीक्वेंस में जो है +3 +3 +3 करा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, S +3 की सीक्वेंस है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर इलेवन में है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, पेन का कोड ये है, तो हाउ विल ट्यूब बी कोडेड एज इज इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। ओके, तो आप देखो जो ये कोड है ना, ये कोड जो है ये 6 डिजिट का है, ठीक है, और पेन में 3 लेटर है, यानी एक लेटर के 2 डिजिट हैं, ठीक है। ओके, तो पी का 32, ई का 10 और एन का क्या है, 28 है। चेक करते हैं क्या रिलेशन बन रहा है, पी का पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 16 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 32, 5 ई की होती है, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे 5 और 2 को, 10। सिमिलर एन का क्या होता है, 14 इंटू में क्या करोगे, 2 यानी 28, यानी जो इनकी रियल पोजिशनल वैल्यू होती है उसमें क्या कर रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो टी की क्या होती है, 20 इंटू में 2, 40। यू की क्या होती है, ठीक है, यू की क्या होती है, 21 इंटू में 2 यानी 42। और बी की क्या होती है, 2 होती है, 2 इंटू 2 यानी 4, ठीक है। तो 40, 42 और 4 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लेंगे, इसमें क्या करना है कि डिवाइड के और मल्टीप्लाई को आपस में इंटरचेंज करके देखना है सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, प्लस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ओके, 13 क्वेश्चन में ये फिगर जो है ये किसी में छुपी हुई है इन चार में से, तो वही हमें चेक करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे ये बनी है ये फिगर, दिस वन, ये ओके, इस तरीके से यहाँ पर, यहाँ पे बनी हुई है। ओके, एक्चुअली मैं यहाँ पे फिगर बनाते हैं हम ऐसे, इसको ये फिगर है ना, ठीक है। तो इस फिगर को आप यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, नाउ 14। ओके, हैम्बर का कोड आपको दे रखा है, हैम्बर का कोड देखते हैं कैसे ये हैम्बर का कोड बना है।
हैम्बर, एच एच क्या होता है आपका, एच होता है एट, एट के बाद इन्होंने आई लिखा है, ठीक है, तो एच यानी एट, एट में क्या कर दोगे, कितना ऐड करोगे, आई का क्या होता है, आई का 9 होता है यानी प्लस का 1, ठीक है, प्लस का क्या कर रखा है, 1 कर रखा है। सिमिलर आप देखो ए, ए का क्या होता है 1, और 1 में का कोड क्या कर रखा है, सी कर रखा है यानी प्लस का 2 कर रखा है, ठीक है। देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे एच, एच मतलब क्या हो जाएगा 8, प्लस 1 कर रखा है 9 यानी क्या आया, आई आया, ओके। देन ए है, ए प्लस में 2 क्या लिखा, सी लिखा, ठीक है। उसके बाद है एम, एम का क्या होता है 13, 13 प्लस में 3 लिखोगे तो क्या आएगा, पी, पी का 16 होता है, ठीक है। उसके बाद है अगेन एम है यानी आप प्लस 4 करेंगे, ठीक है, प्लस 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या वो आ जाएगा। उसके बाद ई, ई प्लस में 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ओके। आर, आर प्लस में 6 यानी आर का 18 होता है, प्लस 6 कर दोगे तो 24 यानी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रखा है कि लेटर के पोजिशनल वैल्यू में सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 प्लस करके, ठीक है, तो इसमें करके देखते हैं, ओके। अब ये डिलीट नहीं होगा, डब्लू यहीं पे कर लेते हैं, ओरली हम कर लेंगे इसको, डब्लू, डब्लू में प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद आर, आर का क्या होता है 18, 18 प्लस में 2 करेंगे, 2 की बारी हो जाएगी ना, 18 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, 20, 20 यानी टी आ जाएगा, ठीक है। ई, ई का क्या होता है 5, 5 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच 8 हो जाएगा ना, ठीक है। एन, एन का क्या होता है 14, 14 प्लस 4 करोगे यानी 18, 18 मतलब आर, ठीक है। उसके बाद आपके पास सी, सी में प्लस 5 करेंगे, सी में प्लस 5 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी 3 होता है और 5 करोगे तो 8 हो जाएगा, और 8 किसका होता है, H का होता है। फिर अगला लेटर आपके पास H, H प्लस में क्या करोगे 6, तो क्या आ जाएगा आपके पास N, ठीक है। तो इसमें क्या करके सीक्वेंस में नंबर्स जो है वो ऐड करके, या आप ये कह सकते हैं जो उनकी पोजिशनल वैल्यू है वो उसमें ऐड करी हुई, जैसे M फर्स्ट नंबर पे था, जैसे W जो था फर्स्ट पे तो 1 ऐड करके, R सेकेंड नंबर पर था 2 ऐड करके, E तीसरे नंबर पर था तो 3 ऐड करके, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल डॉग्स आर लोयन, तो डॉग बना लिया हमने यहाँ पे और ये लोयन हो जाएगा, और नो एलिफेंट इज लोयन, नो का रिलेशन है तो बिल्कुल बाहर, ठीक है। अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन है कि नो डॉग्स इज एन एलिफेंट, ठीक है, ये नो लोयन इज अ डॉग, ये तो गलत है, ठीक है। उसके बाद सम एलिफेंट आर डॉग्स, ये भी गलत है, तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट ही जो है वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है, देखिए, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये आप खुद से कर लेंगे पेपर फोल्डिंग, ये आपका मिरर इमेज, ठीक है, यहाँ पे मिरर करके और यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी, पहले आपका ई बनेगा, आई का जो ये है प्यूपिल है वो आपका इस साइड बनेगा, ठीक है, एरो जो है वो आपकी सेम रहेगी, ओके। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रखा है कि ये चार नंबर्स आपको दे रखे हैं, इसमें से 3 जो होंगे वो सेम पैटर्न फॉलो कर रखे होंगे और एक जो होगा वो आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड नहीं कर रही हूँ, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करना होता है कि ये जो ऊपर की भाषण लिखा हुआ है ये नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, ऊपर का हमें नहीं पढ़ना होता है, इतनी प्रैक्टिस हमने पहले कर रखी होती है कि आप ऑप्शन देखे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन है, ये ऊपर का पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 4 नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अनलाइक, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तभी रीजनिंग को ये सब आप कैंसिल करोगे, तभी रीजनिंग को जो है आप 10 to 12 मिनट में कर पाओगे, ठीक है, और इतना ही टाइम आपको देना होता है। तो 42 माइनस 12 57 38 28 60 39 और 72, तो देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। 4 प्लस 2 करोगे 6, 4 माइनस 2 करेंगे 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 आ जाएगा, ठीक है। ये सी ऑप्शन उठाते हैं, 2 प्लस में 8 करोगे 10 और 8 माइनस में 2 करोगे 6,
दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 60। ठीक है, ऑप्शन फोर, 3 + 9 करोगे 12 और 9 - 3 करोगे 6 यानी 72। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर, यानी ये पैटर्न फॉलो कर रखा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 5 + 7 यानी आपके 12, ठीक है, और 7 - 5 यानी 2, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 24, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 38। तो ये आपका ऑप्शन जो बी है वो इनमें से क्या अनलाइक है, सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि कार्डियोलॉजी जैसे रिलेट कर रहा है हार्ट से, वैसे न्यूरोलॉजिस्ट किससे करेगा, आपके ब्रेन से। नेक्स्ट 20, ये फिगर जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। 21, 7, 13, 6, 4, 22, 18, 15 क्वेश्चन मार्क 7, ओके। 7 + 6, 13, 4 + 18, 22, तो सिमिलर 17 + 7, 22, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22, ओके। तो क्या करके 7 + 6, 13, 18 + 4, 22, सिमिलर 15 + 7 = 22, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 4, 41, 15, 6 क्वेश्चन मार्क 9, 11, 2, 0, 2, ओके। तो 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर देखो 25 + 16 कितना हो जाएगा 41, ठीक है, आ रहा है। करके देखते हैं अगला वाला, यानी ये 9 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर यानी 81 + 12 यानी 202, राइट, ओके। तो 15 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर यानी 225 + 36, ठीक है, यानी 261। तो कुछ नहीं कर रखा था, दोनों नंबर का स्क्वायर को स्क्वायर करके सम कर दिया था, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में 55, 58, 64 क्वेश्चन मार्क 85, ओके। तो 55 में + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा, ओके। 58 में + 6 करूँगी तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 में + 9 करें क्योंकि 3, 3 हो रहा है ना, तो 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 73। 73 में + 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 85। मीन्स इसमें क्या कर रखा है 3, 3, 6, 9, 12 इस तरीके से एडिशन करके, तो आंसर क्या हो जाएगा 73, ओके। 24, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें 25 क्वेश्चन है आपका, 25वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है, शायद इस तरीके का है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कट हो गया, ओके। तो प्रिंटर, माउस, विंडोज़ और मॉनिटर, तो प्रिंटर, माउस और मॉनिटर ये आपके हार्डवेयर हैं, ठीक है, और विंडो आपका क्या है सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें सी यानी विंडोज़, ठीक है। तो ये आपका था 3 मार्च का सेकेंड शिफ्ट रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक, यहाँ पे आज आपके 2 क्वेश्चन रह गए हैं, एक तो डाइस का और एक दिस वन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, PDF चाहिए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको आफ्टर सम डेज़ PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।